Hello, my dear lovely happiness family. Welcome once again in your own channel of blessings, grace and happiness along with my happy universe Shalini. So friends, first of all, thank you for your every powerful word. आपकी blessings के लिए, आपके precious time के लिए जो आपने my happy universe पे इतना time दिया, मुझे इतनी blessings दी, thank you very much. तो friends, मैं ना एक बहुत important message आप लोगों के साथ share करना चाहती हूँ आने वाले time में भी. तो friends, सबसे पहले I respect you all. Thank you so much कि आप हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं. चाहे आप मेरे पुराने व्यूअर हैं, चाहे आप मेरे नए एडेड व्यूअर हैं, आप जो भी हैं फ्रेंड्स, मैं कभी भी अपने व्यूअर्स के साथ पर्सनल टॉकिंग्स प्रेफर नहीं करती हूँ. तो प्लीज़ मुझे इस तरह के कमेंट्स ना करें कि मैं आपसे, आप मुझे अपनी मेल आईडी दें और मैं आपसे कांटेक्ट करूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता. इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेंटेन सम डिस्टेंस इन योर एंड माई हैप्पीनेस फैमिलीज लाइफ. क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको आने वाले टाइम में मेक श्योर कर दूँ कि आपको मेरी आईडी से कोई भी तरह का ऐसा रिप्लाई आता है या तो वो मैं नहीं हूँ. ठीक है, तो मैं ये बहुत अच्छे से श्योर आउट कर दूँ. मैं किसी का नाम यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं लेना चाहती क्योंकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर पर्सन की. मैं समझती हूँ कि सबकी अपनी अपनी रिस्पेक्ट है, बट आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू श्योर एवरी वन कि मैं पर्सनल टॉकिंग्स को बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ. आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप मेरी बहुत वीडियोस को देख सकते हैं, आपके जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी, आई थिंक मेरी वीडियोस मच सफिशिएंट है हर एक पर्सन की काइंड से. जो भी मैंने वीडियोस आपके साथ अपलोड की है, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं. आपकी कोई भी प्रॉब्लम आप कमेंट्स में डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, बट नेवर अलाउ मी टू टॉक विद यू, और ऐसा नहीं होने वाला है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, और प्लीज इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. और मैं चाहती हूं कि हम सब एक रिस्पेक्टफुल ऑरा बनाएं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, हम सब एक दूसरे को हेल्प करे एज ए ह्यूमन बीइंग. तो प्लीज फ्रेंड्स, मेंटेन द सोशल पर्सनल प्रोफेशनल डिस्टेंस, और ये बहुत जरूरी है. मैं समझती हूँ कि मुझे पता है मैं आपके साथ किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हर चीज को कितने लॉजिक के साथ, कितने रैशनलाइज तरीके से लाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच ना ये डिफरेंस जो है वो जरूर बना रहे. एंड आई विल मेक माई बेस्ट एंड आई विल गिव माई बेस्ट. मैं इस चीज की लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करूंगी, और मैं आपको हमेशा कोई भी चीज बताने से पहले ना हमेशा शेयर करती हूँ कि आज मैं आपके साथ इस चीज से रिलेटेड जो है वो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. तो इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई मेरी तरफ से इस तरह की मेल आती हो या इस तरह का कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है कि आई विल टॉक टू यू या ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. अगर ऐसा होता भी है तो जितने भी मेरे नज़दीक के नॉन के सब्सक्राइबर्स हैं उन्हीं के लिए फिलहाल हमने ऐसा किया, जिसमें हमने कुछ अपने स्टूडेंट्स वाडअप किया, बट अननोइंगली जिनके हमारे पास एड्रेसेस नहीं है, जिन्हें हम नहीं जानते. सो ये मैं भी एक आई थिंक YouTube पे काम करने के नाते जो है वो हम हर एक के साथ पर्सनलाइज नहीं हो सकते, लेकिन हाँ आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा फिलहाल मेरे माइंड में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है. तो प्लीज वंस अगेन रिक्वेस्ट यू, मैं पर्सनल टॉकिंग्स को प्रेफर नहीं करती हूँ. इट्स वन रिक्वेस्ट टू यू ऑल, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम्स माई हैपनर्स की वीडियोस पे, प्लेलिस्ट पे जाकर बड़े अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हैं. सो बी वेरी ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए. और मैं चलो क्या बुक पढ़ रही थी वो बता देती हूँ, उन्नति के 101 रास्ते. तो चलो भाई, जिस भी व्यूअर को कोई भी हेल्प चाहिए होगी ना, तो मैं आपसे आपको यही मैसेज दे सकती हूँ कि आप इस मैसेज को जरूर सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें हमारी उन्नति है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्नति का जो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, पहला तरीका वो है शांति चित्त रहें. शांति चित्त का मतलब शांत चित्त, चित्त मतलब होता है हमारा दिल. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए जुबान से नहीं, मन से शांत. जब हमारा मन शांत होता है ना, तो हम अपनी आवाज़ को ना, अपनी आत्मा की आवाज़ को और अपने मन की आवाज़ को बड़ा क्लियरली सुन पाते हैं. तो वैसे ही मैंने शांतिपूर्वक अपनी दिल और आत्मा की आवाज़ से सुना कि ये मैसेज आपके साथ शेयर करूँ. सो फ्रेंड्स, प्लीज़ शांति चित्त रहें, अपना ख्याल रखें. और फिर से कह रही हूँ, मैं पर्सनल टॉकिंग्स को प्रेफरेंस नहीं देती हूँ. मैं किसी भी तरह की मेल के थ्रू अपने किसी भी सब्सक्राइबर के थ्रू साथ जो है वो किसी तरह का ऐसा कॉन्टैक्ट नहीं करती हूँ. जिसको जो प्रॉब्लम है वो अपने कमेंट सेक्शन में अपनी रिक्वेस्ट वीडियोस हमें बता सकते हैं. इन फ्यूचर जैसे भी पॉसिबल हो, तो हम आपके लिए जिस भी तरीके से जो है वो हेल्प करने लायक हो तो ज़रूर करेंगे. बट आई नेवर अलाउ एनी काइंड ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट्स एंड पर्सनल टॉकिंग्स. सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि ये बात आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी. स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, बाय बाय.